नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। बांग्लादेश बनाम इंडिया के बीच में T20 सीरीज का आगाज हो गया है। ग्वालियर के मैदान में ये मैच खेला जा रहा है, जहां पर दो खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, यानी कि डेब्यू एंट्री हुई है। जी हां, मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को यहां पर मौका दिया गया है। और ये पहले से भी हम कयास लगा रहे थे कि शायद यहां पर मयंक और नीतीश को मौका मिले, क्योंकि मयंक यादव ने IPL 2024 में जिस तरीके से गेंदबाजी की थी और रफ्तार के सौदागर ये कहे जाते हैं, रफ्तार के किंग कहे जाते हैं, जिनका डेब्यू टीम इंडिया में हो चुका है। अब अपने डेब्यू मैच में जिस तरीके से इन्हें कैप सौंपी गई और बहुत ही अच्छा मूवमेंट वहां पर नजर आया, हर कोई वहां पर खिलाड़ी उन्हें प्रोत्साहित करता नजर आया। नीतीश रेड्डी को भी कैप सौंपी गई, डेब्यू कैप मिली उन्हें। और अच्छी बात यही होती है कि आप अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा मौके दिए जाएंगे। अब मयंक यादव की बात करें तो इन्हें मौका तो दिया गया है। अब इनकी अगर फ्लैशबैक में चले तो IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें अपनी टीम में चुना था, लेकिन बीच मैच में ही इन्हें चोट लग गई थी और चोट की वजह से ये मैच से बाहर हो गए थे। अब लेकिन वहां पर 7 विकेट चटकाए थे और 7 विकेट में इन्होंने 156 से ज्यादा की जो रफ्तार पकड़ी थी, यानी कि 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी और वहां पर ही उन्होंने तहलका मचा दिया था और इन्हें रफ्तार का सौदागर भी कहा जाता है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के बाद लगातार खबरें आ रही थी कि शायद इन्हें मौका मिलेगा। अब देखिए, इन्हें स्क्वाड में हिस्सा तो बनाया गया था बांग्लादेश सीरीज में, लेकिन थोड़ा सा डाइसी मामला था कि क्या मयंक यादव को यहां पर मौका मिलेगा प्लेइंग 11 में। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव ने बड़ा फैसला लिया है और दो खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, डेब्यू एंट्री हुई है, जहां पर पहला नाम है मयंक यादव का और दूसरा नाम है नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो हैदराबाद के लिए खेलते हैं, जहां पर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो अच्छी बात यह है कि मिडिल ऑर्डर्स में हमारे पास एक ऑलराउंडर भी शामिल हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर रियान पराग भी होंगे, रिंकू सिंह भी होंगे। अब रिंकू सिंह पर भी नजरें होंगी कि क्या रिंकू सिंह एज अ फिनिशर के तौर पर नजर आएंगे। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव की बात करें तो यहां पर सूर्य कुमार यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही थी और ओपनिंग पार्टनरशिप को लेकर भी बातें कही थी कि संजू और अभिषेक शर्मा ही ओपन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मयंक यादव को लेकर भी बातें कही थी कि क्या मयंक यादव को यहां पर सवाल किया गया था कि क्या उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि रफ्तार तो उनकी बहुत अच्छी है, टीम के एक्स फैक्टर भी हो सकते हैं। और देखिए, आज जैसे यहाँ पर प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट किया गया तो वहां पर आपको मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी नजर आए। IPL 2024 बहुत ही अच्छा टीम इंडिया का गया था। अब देखिए, IPL 2024 तो मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी का बहुत अच्छा गया था। हैदराबाद की टीम में हमने देखा था कि नीतीश कुमार रेड्डी का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर मयंक यादव जो थे, भले ही कुछ मैचेस में होते लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। तो मयंक और नीतीश कुमार रेड्डी के इस डेब्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।